हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं ना पानी पीने आई थी, पानी पी लूँ। आज मैंने सुबह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है यार। मैं अभी भी ना उतनी ठीक नहीं हूँ। कोशिश कर रही हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने की, लेकिन अभी उतनी भी ठीक नहीं हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। गुड्डक ऑनलाइन क्लास ले रही है, अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के ऑनलाइन क्लास कर रही है। मैं ना किचन में पानी पी रही थी। तो आज मैं ना आप लोगों के साथ कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ शॉपिंग हॉल, जो मैंने आज कल शॉपिंग की है। बच्चों की बहुत सारी शॉपिंग की है, तो चलिए मैं वही शेयर करती हूँ। और इसकी वजह से ना इतना फलारा हो रखा है। ये मुझे रोज़ चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि अभी तक रखी नहीं उठा के। मैं कहती हूँ हाँ रख दूँगी। तो मैंने वो कहता है अच्छा ब्लॉग बनाना होगा। मैंने कहा हाँ मुझे ब्लॉग बनाना है। तो चलिए आज मैं आपको दिखा ही देती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ है, है तो थोड़ा बहुत ही, लेकिन बस तबीयत की वजह से ना थोड़ा सा बाइक किया फिर घर आ गए, वो वाला चल रहा है। लाना भी चीज़ें कुछ ज़रूरी हो जाती हैं आपको, तो वह मैं इकट्ठा कर रही हूँ यहाँ, इसलिए आपको चलते हुए दिखाई दे रही हूँ कि सारा ना रखा हुआ है। अरे बाप रे, चलिए तो अब हम आपको बैठ के दिखाते हैं कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। और बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा है। देख हाँ, एक पैकेट ये और रह गया। तो कैमरा कर दिया हमने यहाँ पे सेट। ग्रॉसरी तो आपको पता ही है कि ग्रॉसरी लेके आई थी। ग्रॉसरी ये देखो। चलो जाओ। जाओ, ये सबसे पहले मुझे ब्लॉग शूट नहीं करने देती। रुक जाओ, डैडी बुला रहे हैं। जाओ डैडी बुला रहे हैं। रुको, इतनी मुश्किल से गई है ना ये, सच में मुझे बहुत परेशान करती है। ये सबसे लाडला बच्चा है घर का। लाइट शायद कम आ रही है, कोई बात नहीं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले ग्रॉसरी। तो आप लोगों को पता ही है ग्रॉसरी लेके आई थी। ग्रॉसरी में बहुत ज़्यादा नहीं लाई थी, क्योंकि मेरे कुकिंग करने में और मेड की कुकिंग करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। जब मैं कुकिंग करती हूँ तो बच्चों को तरह तरह की चटर पटर चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन आजकल मेड कुकिंग कर रही है तो मैं काफ़ी किचन का खर्चा कम हो गया है। तो ग्रॉसरी लाई थी। इसके बाद मैं लाई थी दो ये बॉक्सेस, एक ये और एक ये, और ये ना तीन का पेयर है ये। रुको, उस पर बॉटल रखी है टेबल पे, वो दोनों बॉटल दो। ये तीन का पेयर है, एक दो और तीन, सॉरी ये चार का पेयर है, मैं ही भूल गई, ये चार का पेयर है। और ये ना बड़े काम आता है मेरे। फ्रिज में कोई भी चीज़ आपको स्टोर करके रखनी है या कुछ रखना है, वैसे तो प्लास्टिक मैं अवॉइड करती हूँ हमेशा ही मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन इस ये मतलब फ्रिज के लिए मुझे चाहिए होते हैं ये वाले कंटेनर्स। तो चार का पैक है, पहले भी मैं लेके आई थी, लेकिन क्या होता है कभी कहीं कुछ भेजना होता है, कभी कहीं कुछ भेजना होता है, उस चक्कर में ना चले जाते हैं मेरे सारे बॉक्सेस। तो ये दो का पेयर है और ये होम सेंटर से मैंने लिया है। इसके बाद लाई थी मैं ये दो बॉटल्स, और ये बॉटल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। एक तो मैंने गिरा के तोड़ दी थी, आते ही निकाल ली थी। तो इसके साथ ही एक ग्लास है, और कैपेसिटी अच्छी खासी है, बट प्रॉब्लम इसके साथ यही है कि ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली। एक तो जिस दिन आई थी उसी दिन या उससे नेक्स्ट डे गिर गई थी और टूट गई थी। ये लाई थी। फिर मैं लाई थी एक, मैं लाई हूँ ये स्टोरेज, मैं दिखाती हूँ ये, और इसको इस तरह से ओपन करेंगे। ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन सुंदर बहुत लगा, क्यूट बहुत लगा, और ये इनको पसंद आया था। मैं नहीं लाई हूँ इसको, ये लाए हैं, मैंने कहा हाँ ले लो। तो एक ये लाई हूँ, छोटा सा है, चुटकू पुटकू सा, कहीं भी रख दो, तो मैं इसको अपने ड्रेसिंग एरिया में रखूँगी। अच्छा, मैं इनके रेट भी बता देती हूँ आपको। ये मुझे पड़ा है 199 का एक पीस, और ये बॉटल पड़ी है मुझे 120 रुपीज़ की, और ये मुझे पड़ा है MRP तो इसका है 1999, लेकिन ये मेरे को 500 के आसपास पड़ा है। ये भी साइड में रख देते हैं। इसके बाद लाई थी मैं एक ये फूट मैट, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जूट का बना हुआ है, चुभने वाला जो होता है ना वो जूट है ये,
काफी, तो ये बाहर के लिए लेके आई हूँ, लेकिन ये सुंदर बहुत है, बहुत सुंदर सा है ये। और ये मेरे ख्याल से पड़ा है 450 रुपये का, MRP है इसकी, नहीं ये 400 रुपये का पड़ा है, ये 400 का है, लेकिन ये है बहुत सुंदर। ये मैं बाहर के लिए लेके आई हूँ। इसके बाद लाई हूँ मैं ये एक कैंडल लाइट होल्डर, और मैं काफ़ी दिन से देख रही थी कैंडल लाइट होल्डर लाने के लिए, बट कई बार बजट भी देखना होता है ना, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप लो उठाओ और चल दो। तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको, ये भी मुझे डिस्काउंट पे मिला है और बहुत सुंदर सा है। आओ, ये है ऐसे, ये इसमें चेन है, ये बीए टाइप का है, ये चेन है इसमें, आप इसको हैंग भी कर सकते हैं और इसकी चेन को नीचे गिरा के आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ये ऐसे, अगर आप इसको कहीं पर रखना चाहें तो आप इसको ऐसे रख भी सकते हैं, तो बड़ा क्यूट सा है, बहुत सुंदर है। इसके साथ ही यहाँ पे स्पेस बना हुआ है, तो उस स्पेस में आप, ये ग्लास है, ये इसमें आप कैंडल रख सकते हैं, तो इसको आपको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे, तो है ना बहुत क्यूट सा। हाँ, और ये मुझे इसका एग्जैक्टली रेट याद नहीं है, ये कितने का पड़ा था, ये सस्ता पड़ा है मुझे, जो मतलब MRP उससे काफ़ी चीप पड़ा है, MRP तो इसकी 800 या 900 रुपये ऐसा कुछ थी, बट ये सस्ता पड़ा है, मैंने ले लिया। एक ये हो गया। इसके बाद लाई हूँ मैं बच्चों के कपड़े, वो मैं स्टार्ट करती हूँ मुकेश के कपड़े, इनके लिए ये शर्ट है, ये शर्ट है ब्लैक कलर की, चेक और कॉटन है अच्छी खासी, वैसे भी कॉटन ही पहनी जाती है। तो एक ये है, वैसे मुझे ना जेंट्स कपड़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो ठीक है दिखा देती हूँ। इनकी पैंट किधर गई, इनकी पैंट ऑल्टर होने के लिए हमने छोड़ी है, इसी के साथ की मैचिंग है। साथ में ये पेयर ऑफ सॉक्स था और ये पड़ा है 600 का, ये 3 का पेयर है, और पता नहीं इन्होंने ये ब्लू कलर क्यों लिया, फिर मैंने बाद में कहा कि ये क्यों लिया, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लो, ब्लैक ग्रे और वाइट शेड थे, लेकिन तब तक इसकी बिलिंग हो चुकी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि अब ये नहीं बदलेगा, फिर टैग करना पड़ेगा ये वो, मैंने कहा चलो ठीक है फिर यही ले लेते। एक ये था, साथ में लाई थी एक ये बेल्ट, और ये पड़ी है 500 रुपीज़ की, ये ना स्ट्रेचेबल है, तो ये मैं सोच के लाई थी मेरे भी काम आ जाएगी और टुक्कू के भी काम आ जाएगी, कई बार टुक्कू की कुछ जींसेज ऐसी हैं जो छोटी होती हैं, तो ये टुक्कू के भी काम आ जाएगी। एक ये थी, साथ में था एक ये परफ्यूम, और ये ना हमने मेंबरशिप कार्ड बनवाया था, तो उसके साथ ये मतलब 100 रुपीज़ का मुझे पड़ा है, वैसे MRP तो इसकी 199 है, ज़्यादा नहीं है, तो ये 100 रुपीज़ का मुझे पड़ा था, बट इसकी एरोमा अच्छी है। तो ये डीओ है, मुझे नहीं पता कैसा लगाने के बाद स्किन पे कैसा होगा, बट उन्होंने दे दिया, लव नाम से लव। और साथ में लाए थे ये रिचुअल के कपड़े, तो एक है ये ट्राउज़र, ये ट्राउज़र है, और ये कलर टुक्कू के पास था नहीं तो फिर यही लिया है, और टुक्कू के लिए है एक ये शर्ट, ये शर्ट है, इसके अंदर साथ में ये टी शर्ट है, ये मतलब टी शर्ट है, राउंड नेक में टी शर्ट है, और ये शर्ट के साथ ही है, मतलब अंदर पेयर है ये इसका, ये है। और गुड्डू के लिए आई है ये ड्रेस, और ये मेरी फेवरेट है, ये ड्रेस है, इस पर यहाँ हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, ज़्यादा कुछ वर्क नहीं है, यही बस एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन फैब्रिक सबसे मेन, मैं बच्चों के जब कपड़े ख़रीदती हूँ तो मैं फैब्रिक देखती हूँ कि फैब्रिक कैसा है, तो उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, और साथ में ये टी शर्ट जो अंदर है इसका भी अच्छा है, ट्राउज़र का तो डेनिम है, ये कलर एक्चुअली टुकू के पास था ना, उसके पास ब्लैक भी है, वाइट भी है और ब्लू भी है, कई कई शेड है इन चीज़ों के, लेकिन इस टाइप का नहीं, वो ग्रीन बोल रहा था मुझे ग्रीन लेनी है, मैंने कहा लेकिन इसके साथ ये जाएगी तो फिर तू ये ले ले, ग्रीन नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो ये हो गया, अपने लिए अभी नहीं लाई हूँ, अपने लिए मैं बाद में लाऊँगी, कुछ रीज़न थे नहीं लेके आई, कुछ तो एक्चुअली मैं देख रही थी कि थोड़ा सा सेल वगैरह हो तो लेके आऊँ, दूसरा ये भी था कि
थक भी बहुत ज्यादा गई थी, हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि आगे कुछ लेके आऊं, और ये मेरे पीछे पता नहीं क्या क्या उठाए घूम रहा है। सब्जी लेने गए थे अभी आ गए हैं, तो बस यही मैंने शॉपिंग के, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी में लग रहा होगा आपको कि पता नहीं क्या ले लिया। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल आपको एक अच्छे से व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना, मेरे लिए भी प्रे करना जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।